जादूपटिया संताल आदिवासी की लोक चित्रकला परंपरा है। इस चित्रकला परंपरा के तहत आदिवासी समाज के लौकिक और पारलौकिक विश्वासों, धार्मिक मान्यताओं, उनके मिथोलॉजी, इन सब का चित्रण किया जाता है। सन 1990 में जब इस पेंटिंग पर मैंने काम आरंभ किया था, तब यह पेंटिंग लगभग लुप्त हो चुकी थी और बिहार एवं केंद्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग की सूची में इस पेंटिंग का कहीं नाम नहीं था। बिहार में बिहार की लोक कला के रूप में केवल मधुबनी पेंटिंग की ही मान्यता थी। इसके अतिरिक्त किसी अन्य पेंटिंग के बारे में संस्कृति विभाग को जानकारी भी नहीं थी। 1990 में जब संताल परगना के दुमका जिले और बाकी के जिलों में मैंने काम आरंभ किया, तो एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे इन कलाकारों तक पहुँचा जाए। लगभग 6 साल तक निरंतर प्रयास के बाद ऐसे 11 वृद्ध कलाकार मुझे मिले जिन्होंने कि इस पेंटिंग को बचाए रखा था। जादूपटिया पेंटिंग बहुत ही प्राचीन लोक चित्रकला परंपरा में है और जिस पट के तहत इसकी पेंटिंग बनाई जाती है, इस पट की चर्चा मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त का नाटक है चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में रचा गया, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। इस पट के अंतर्गत संतालों के अलग अलग विश्वासों और उनकी मान्यताओं के विषयगत चित्र बनाए जाते हैं। और एक पेंटिंग, जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यह एक पेंटिंग, ये हमारे साथ 3 पेंटिंग लगी हुई है और हर एक पट के ऊपर ये पट जो है कागज या कपड़े के टुकड़ों को जोड़ करके यह लंबा बनाया जाता है और यह 6 से करीब 22 फीट लंबा तक होता है। हालांकि अब इस पेंटिंग को बनाने वाले कलाकार जो थोड़ी बहुत बचे हैं और जिनको हमने तैयार किया है, उनमें मैं देखता हूँ कि वो 22 फीट लंबा पट नहीं बना पाते हैं। तो पहले 22 फीट लंबा तक पट बनता था और प्रत्येक पट में एक विषय होता था जिस विषय को श्रृंखलाबद्ध तरीके से ही बनाते हैं। और जादूपटिया चित्रकला की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह परफॉर्मिंग आर्ट भी है और विजुअल आर्ट भी है, यानी यह प्रदर्शन कला भी है और दृश्य कला भी है। दृश्य कला के तहत इसके चित्र हैं और प्रदर्शन कला के तहत इसके जो कलाकार हैं, जब वो गांव में जाकर इन पट्टों को दिखाते हैं तो उनको नरेट करते हैं उनके जो विषय चित्रित हैं। और मैंने इनको 9 विषयों के पट मैंने संकलित किए थे और इनको 3 श्रेणियों में मैंने बांटा था। एक जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एक जिनका संबंध इनके इतिहास से है और तीसरा जिसमें कि अंधविश्वास जैसी चीज़ें शामिल हैं। मेरी खोज में मान्यता यह है कि इनकी मूल जादूपटिया पेंटिंग जो है, जो जिसमें इनका सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक महत्व झलकता है, वह है कारामेंती, यानी सृष्टि की उत्पत्ति, यानी ये कहना कि कैसे संतालों की उत्पत्ति पहली बार हुई। मारंगबोरु और जाहिर एरा ने कैसे पिल्चू हड़ाम और पिल्चू बुड़ी के लिए परिस्थितियाँ पैदा की। जब चारों ओर जलमग्न था तो मारंगबोरु यानी कि शिव ने अपने कंधे के मैल से पानी में काराम के पौधे को उत्पन्न किया। उस पर हंस और हंसिन यानी हंस और हंसिनी, इन 2 पक्षियों को उन्होंने बनाया और उनके जो अंडे हुए, उन 2 अंडों से 2 मानव दंपतियों का जन्म हुआ, पिल्चू हड़ाम और पिल्चू बुड़ी। ये पिल्चू हड़ाम और पिल्चू बुड़ी जो हैं वो संतालों के आदि मानव दंपति, संतालों के आदि माता पिता हैं और उन्हीं के वंशज आगे चल करके 7 गोत्रों में सोरेन, किस्कू, मुर्मू, मारांडे आदि हुए। बाद में 5 और इसमें गोत्र इनके जुड़े जैसे ये पारिस कहते हैं। और फिर इनका लंबा इतिहास इस पेंटिंग के अंतर्गत आता है जिसमें ये बताते हैं कि कैसे इनका गोत्र विभाजन हुआ और कैसे ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए इन्होंने अपनी विकास यात्रा तय की। इस पेंटिंग पर विस्तृत अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर R.K. नीरद, मुझसे संपर्क करने का पता है कमला बाग कॉलोनी, फिर से आप नोट करें, डॉक्टर R.K. नीरद, कमला बाग कॉलोनी, दुधानी, दुमका, झारखंड, 814101, या मेरे मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, 878 यानी 878909 यानी 909 7471 यानी 7471। आप इसे फिर से नोट करें, 878-909-7471 यानी 878-909-7471। आज इतना ही।